वेलकम बैक। और कहते हैं हम आपका हमारी इस बड़ी सी वीडियो में छोटा स्वागत, मजाक कर रहे हैं। चैनल छोटा तो क्या हो गया, दिल हमारा बहुत बड़ा है। क्या 26 तारीख को था सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट इन सोल साउथ कोरिया, और वहाँ पे सैमसंग ने अपने बहुत सारे नए टेक के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लाइक अपने गैलेक्सी जी फ्लिप 5, अपना गैलेक्सी जी फोल्ड 5, अपने न्यू टैब्स और अपने नए वॉचेस। ये सारे टेक के प्रोडक्ट्स उन्होंने वहाँ पे अनपैक किया। खैर, आज हम बात करने वाले हमारे गैलेक्सी जी फ्लिप 5 के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बट एक ही चीज़ है जो इसमें सबसे बड़ा चेंज है। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है फोल्डिंग फोन में, तो या तो चैनल पर वीडियो आ चुकी होगी या तो आने वाली होगी, सो चेक दैट आउट एज वेल। इसमें सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है इसके कवर स्क्रीन डिस्प्ले में। पहले आपको एक 1.9 इंच का कवर स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता था, और आपको एक 3.4 इंच का कवर स्क्रीन देखने को मिलता है। सो आप कंपैरेटिव देख सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा जंप देखा है। बट आई वुड से कि बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ कर दिया एज कम्पेयर टू मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा। वो तो एक H2H 3.6 इंच का कवर स्क्रीन डिस्प्ले लेके आए थे, सो थम्स अप फॉर मोटोरोला। और ऐसी दो तीन चीज़ें और भी है जिसकी वजह से मुझे मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू दिस गैलेक्सी जी फ्लिप 5। इसमें आपको एक 3.4 इंच का AMOLED कवर स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 1600 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, विच इज रियली गुड। और साथ ही साथ इसमें आपको दो कैमरा देखने को मिलता है, एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और सैमसंग का फोन है तो इसमें फोटोज वोटोज तो भाई बहुत अच्छे आने वाले हैं। और इसमें आप 4K 60fps पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इवन इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 60fps पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, विच इज इंटरेस्टिंग। मुझे फ्लिप और फोल्डिंग फोन्स की ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि आप इसको एज अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा फ्लिप या फोल्ड करके कहीं पर रख के वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन जो इंसान आपके सामने खड़ा है, वो अगर आप इसकी फोटो खींच रहे हैं तो वो सिंपली अपने आपको देख सकता है कि आप उसके कैसी फोटो खींच रहे हैं। दैट इज द गुड पॉइंट ऑफ दिस फ्लिप एंड फोल्डिंग फोन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर द क्रिएटर्स। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग वेरी गुड अबाउट फ्लिप फोन्स की आप इसके रियर कैमरा से बहुत अच्छे हाई क्वालिटी में पिक्चर विचेस क्लिक कर सकते हैं। और मुझे लगता है इनकमिंग 2-3 ईयर्स ये फ्लिप और फोल्डिंग फोन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मिलने लगेगी, बिकॉज जो भी फ्लैगशिप चीज़ें होती है वो धीरे धीरे करके नीचे आती ही जाती है। और हमारा Xiaomi तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ लेके आएगा इंडियन मार्केट के लिए। क्या अभी मैंने सुना था कि Xiaomi भी अपना फ्लिप फोन लेके आने वाला है, सो दैट गोना बी इंटरेस्टिंग, शायद अगस्त में लाने वाला है। सो लेट्स सी कैसा होता है, और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। और हमने अपने गैलेक्सी जी फ्लिप 5 और 4 5 दोनों के इंजन में बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको बीच में कोई भी एयर गैप देखने को नहीं मिलता है, विच इज रियली गुड, जिसकी वजह से आपको कोई भी ज़्यादा डस्ट एंटर करते हुए नहीं दिखेगा इस वाले पोर्शन में, सो प्लस पॉइंट फॉर दैट। और इसके इंजन में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके नीचे की साइड में आप डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलते हैं, अपना फेवरेट कलर चूज कर सकते हैं। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विच इज ग्रेफाइट, क्रीम, लेवेंडर एंड मिंट। और अगर आप इसको सैमसंग के वेबसाइट से खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको और एक्सक्लूसिव चार कलर देखने को मिलते हैं, विच इज ग्रे, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। राइट साइड में आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है, विच इज इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल। और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन, सिम स्लॉट। और इसके नीचे के साइड आपको और माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, और एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है विच सपोर्ट USB 3.2, जिसकी वजह से आपका डेटा ट्रांसफरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। एंड द स्पीकर गेज फॉर स्टीरियो स्पीकर्स, इट कम्स 160 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 1600 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, विच इज फार बेटर देन इट्स इनर स्क्रीन। और आप इसका होम स्क्रीन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। ये कुछ एनिमेशन वेनिमेशन परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से फोन और अच्छा लगने लगता है। ये कुछ छोटी बहुत चीज़ें होती है जिसकी वजह से फोन और बेटर लगने लगता है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाती है, लाइक वाईफाई एंड ब्लूटूथ आप इजीली यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और इवन आप इसके कवर स्क्रीन से मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको फुल्ली फंक्शन कीवर्ड देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से आप बिना फोन खोले मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये चीज़ हर फोल्डिंग फोन में नहीं होता, बट इसमें और मोटोरोला रेज़र 40 में भी ऑफकोर्स आपको इतने बड़े से स्क्रीन के साथ तो ये फंक्शन तो होना ही चाहिए। इसमें आप स्वाइप करेंगे तो आपको डिफरेंट विजेट्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक कैलेंडर एंड वेदर एंड ऑल दैट स्टफ। और इसके कवर स्क्रीन पर आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स और भी चीज़ें हैं जो आप आसानी से रन कर सकते हैं। इसमें आपको 6.7 इंच का डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 190 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 1200 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। एंड द क्रीज इज प्रीटी विजिबल, अगर आप इसको साइड से देखें तो आपको क्रीज विजिबल होगा, बट इसको अगर आप सामने से देखेंगे, अगर आप कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कुछ यूज़ कर रहे हैं फोन का, तो आपको क्रीज नहीं दिखेगा। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बाय द टाइम आप यूज टू हो जाते हैं, सो उसकी इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी, बिकॉज इट्स फॉर गैलेक्सी, ऑप्टिमाइज फॉर गैलेक्सी, ऑफकोर्स तो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देगा। इसमें आपको एक ऊपर के साइड 10 मेगापिक्सल का पंचोल कैमरा देखने को मिलता है फॉर सेल्फीज एंड ऑल दैट स्टफ। और इवन आप इसमें 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग एज आई सेड बिफोर आई गेस। और ये आता है 8GB रैम के साथ एंड इट ऑल्सो सपोर्ट वर्चुअल रैम, सो ऑफकोर्स आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड ये टू वेरियंट में अवेलेबल है, एक 256GB रैम के साथ और एक 512GB रैम के साथ। एंड इसमें आपको गैलेक्सी जी फ्लिप 4 के जैसे 3700mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विच इज गुड फॉर एनी फ्लिप फोन ऑफकोर्स। एंड इट कम्स विद IP रेटिंग, सो ये डिवाइस फुली वाटर प्रूफ है, और साथ ही साथ डस्ट प्रूफ भी है, बिकॉज इसके हिंज में बीच में आपको कोई भी एयर गैप देखने को नहीं मिलेगा, सो विच इज रियली गुड। और इतना इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो जो मैं देना फ्रेंड्स के शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और ऐसी कूल से टेक वीडियो देखने के लिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।